तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को इंडियन बाइक स्ट्रेटजी गेम के टॉप 5 बेस्ट ग्लिचेस बताने वाला हूं, जो कि आप सब लोगों को शायद ही पता होंगे। उन ग्लिचेस को तो यार मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एंड यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार फिर अब आप सब लोगों को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड आप सब लोगों को इंडियन बाइक स्ट्रेटजी गेम के टॉप 5 ग्लिचेस बता देते हैं। तो यार यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ग्लिच होने वाला है वो यहाँ पर हमारा ट्रेन के पास होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ट्रेन के पास आ चुका हूँ। एंड यार यहाँ पर जो आप सब लोग को ये ऑयल के टैंक देखने को मिल रहे हैं, आप सब लोग इनको फोड़ सकते हो। वैसे भी यार इनका तो कोई काम वगैरह नहीं है अभी। एंड दोस्तों ये जो मैं आप लोग को ग्लिच बताने वाला हूँ ये ग्लिच बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो यार इस ग्लिच को करने के लिए आप लोग ट्रेन के डिब्बे के पास आ जाना। फिर यार आप सब लोग इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड नंबर डायल करना जो कि 9129 एंड उसके बाद वेपन वाले आइकन पर क्लिक करके स्टिकी बम को हाथ में लेना। एंड स्टिकी बम फेंकते फेंकते जो स्टिक को आप लोग आगे करोगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैजिक हो चुका है यार हमारा करेक्टर जो कि ट्रेन के अंदर आ चुका है। इंडियन बाइक स्ट्रेटजी गेम के अंदर इतनी सी सिंपल सा ग्लिच करके हमारा करेक्टर ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ चुका है यार। जैसे कि देख सकते हो मैंने सिंपली से वेपन वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक किया स्टिकी बम को हाथ में लिया एंड अपने जॉयस्टिक को आगे करके स्टिकी बम को फेंकता गया तो मैं ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार। दोस्तों तो यार आप लोग को ये वाला ग्लिच पता था या फिर नहीं वो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यार आप सब लोग को भी कोई ग्लिच वगैरह पता हो, ग्लिच पता हो या फिर मिथ पता हो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप सब लोग का ग्लिच या फिर मिथ होगा मैं आप सब लोग का वो वाला ग्लिच या फिर मिथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर जरूर ट्राई करूंगा यार। दोस्तों तो यार ये वाला मिथ आप सब लोग को कैसा लगा वो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यार यही था हमारा नंबर 1 वाला ग्लिच। अब यार हम लोग बढ़ लेते हैं बिना कोई देरी किए नंबर 2 वाले ग्लिच के ऊपर। एंड यार सेकंड वाला जो ग्लिच है उसको ट्राई करने के लिए यार हम सब लोग को ट्रेन का जो पानी है आज सब लोग को यहाँ पर आगे पानी दिखाई दे रहा होगा जो कि ट्रेन के बाजू में ही है बिल्कुल, हम सब लोग को सबसे पहले उसके अंदर जाना होगा क्योंकि यार ट्रिक तो हमारी उसके अंदर ही होने वाली है। जो हमारा ग्लिच है उसके अंदर ही होने वाला है यार। दोस्तों उसके अंदर जाने से पहले यार हम सब लोग को यहाँ पर सबसे पहले कोई बाइक स्पॉन कर लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी ZX9R बाइक को स्पॉन कर लिया है यार। इसके अंदर ऊपर बैठ कर यार हम सब लोग को पानी के अंदर जाना होगा सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट से मैं अपनी ZX9R बाइक को लेकर पानी के अंदर चला जाता हूँ। तो यार जैसे हमारी बाइक पूरी की पूरी डूब जाए तो तब यार हमको अपने करेक्टर को अपनी गाड़ी से उतर जाना है। तो यहाँ पर यार आप सब लोग को फिर करना क्या, आप सब लोग को थोड़ा बहुत तैरना है पर अपनी बाइक से ज्यादा दूर नहीं जाना है। फिर यार आप सब लोग को थोड़ा बहुत तैर के अपनी बाइक के अंदर बैठ जाना है। यार फिर बाइक के अंदर बैठते ही आप सब लोग को बाहर निकल जाना है। यहाँ पर आप सब लोग मुक्का देख सकते हो यार, मुक्का भी हमारा आ रहा है। फिर आप सब लोग जैसे पानी से बाहर निकलो, आप सब लोग जैसे अपनी बाइक से उतरोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यार हमारा ग्लिच यहाँ पर वर्क हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यार बिना कोई पानी के सरफेस के हमारा यार करेक्टर जमीन के ऊपर भी स्विमिंग कर रहा है, जैसे कि यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यार ये बहुत ज्यादा बढ़िया और फनी भी लग रहा है। बाकी यार आप सब लोग को ये वाला ग्लिच कैसा लगा आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। ये वाला ग्लिच मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा और यार बहुत ज्यादा फनी है। तो चलो यार हम लोग देखते हैं क्या ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। नहीं यार इस ग्लिच की मदद से हम लोग ट्रेन के अंदर तो नहीं जा सकते हैं। अब यार जो हमारा थर्ड वाला ग्लिच होने वाला है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। थर्ड वाले ग्लिच को ट्राई करने के लिए हम सब लोग को सबसे पहले तो खुले से एरिया पर जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर खुला सा एरिया है। एंड यार फिर हम सब लोग को अपनी सेलफोन निकाल के यहाँ पर हॉर्स को मंगा लेना है। तो यार हॉर्स का चीट कोड 200। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा हॉर्स आ चुका है। एंड यार उसके बाद आप सब लोग को एक और चीट कोड डायल करना होगा जो कि 1111, मतलब की 4 बार आप सब लोग को 1 डायल करके यहाँ पर साइकिल को स्पॉन कर लेना होगा इस वाले ग्लिच को ट्राई करने के लिए। आप लोग कोई बाइक भी मंगा सकते हो वो तो आप सब लोग की मर्जी है। एंड यार फिर उसके बाद आप सब लोग को हॉर्स एंड साइकिल के बीच में जाके खड़े होना होगा। एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऊपर हॉर्स एंड साइकिल का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर सिंपली से दबा देना आप लोग। जैसे कि देख सकते हो मैं साइकिल के ऊपर बैठ चुका हूँ। एंड यार यहाँ पर हमारी ट्रिक वर्क कर गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा करेक्टर जमीन के अंदर जा चुका है। एंड यार हम लोग इनविजिबल होकर यहाँ पर साइकिल को ड्राइव कर पा रहे हैं। आप लोग यार इस वाली ट्रिक को बाइक के साथ भी कर सकते हो, बाइक के साथ भी ये ट्रिक वाली ट्रिक हो जाती है। बाइक के साथ भी करोगे आप सब लोग का करेक्टर इनविजिबल होकर यार बाइक को ड्राइव कर गया। मैंने तो साइकिल के साथ किया है और यार मेरा करेक्टर साइकिल को ड्राइव कर पा रहे वो भी इनविजिबल होकर, और यार मैं साइकिल को व्हीलिंग भी कर पा रहा हूं वो भी इनविजिबल होकर। यार ये वाला मिथ आप सब लोग को कैसा लगा, मिथ तो नहीं ये तो ग्लिच है। ये वाला ग्लिच आप सब लोग को कैसा लगा आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार। दोस्तों तो चलो यार बिना कोई देरी किए हम लोग बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले ग्लिच के ऊपर। इंडिया से जो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला ग्लिच है उसको ट्राई करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग को एयरपोर्ट के पास आ जाना होगा। एंड यार एयरपोर्ट पर ये जो हमारा यहाँ पर प्लेन खड़ा हुआ है तो यार फटाफट से हम लोग इसके पास चल लेते हैं। एंड यार आप सब लोग को फिर करना कुछ नहीं होगा, जैसे आप लोग इस प्लेन के पास जाओगे फिर यार आप सब लोग को इसके ऊपर एक स्प्लेंडर बाइक को स्पॉन कर लेना होगा। तो यार स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड नंबर है 9000। तो यार जैसे आप लोग 9000 डायल करोगे आप सब लोग के प्लेन के ऊपर यहाँ पर स्प्लेंडर बाइक स्पॉन होगी। पर यार ये थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी तो चलो मैं दोबारा से स्प्लेंडर बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ इसके ऊपर। एंड यार फिर उसके बाद आप सब लोग को करना कुछ
पूछूंगा प्लेन के पास जैसे आप लोग जाओगे, पर शर्त ये है कि प्लेन पर बैठने वाला ऑप्शन आना चाहिए, स्प्लेंडर पर नहीं। फिर आप सब लोग को प्लेन के अंदर बैठ जाना है एंड यार फिर उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि हमारा प्लेन यहाँ पर जमीन के अंदर धस चुका है एंड यार हमारा प्लेन यहाँ पर नीचे जाता ही जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और यार हमारे प्लेन के ऊपर कोई भी स्प्लेंडर बाइक वगैरह तो अभी नहीं है। तो यार आप सब लोग देख सकते हो हमारा प्लेन जमीन के अंदर धस चुका है एंड यार नीचे जाता ही जा रहा है। अभी एक ऐसे लूप में फंस चुका है कि अब यहाँ से कोई भी बचकर वापस नहीं आ सकता यार दोस्तों। एंड यार अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो आसमान की तरफ जा रहा है, तो चलो यार मैं आप सब लोगों को प्लेन से उतर के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यार हमारा करेक्टर भी नीचे जाता ही जा रहा है। तो यार मैंने आप सब लोगों को बोला है कि हमारा करेक्टर यानी कि हमारा प्लेन जो है जमीन के अंदर धस चुका है। एंड यार यहाँ पर देख सकते हो हमारा करेक्टर कितना छोटा होता जा रहा है। तो यार यही था फोर्थ वाला ग्लिच एंड हम लोग बढ़ लेते हैं बिना कोई देरी के अपने फिफ्थ वाले ग्लिच के ऊपर। एंड यार दोस्तों जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वाला ग्लिच है उसको ट्राई करने के लिए आप सब लोग को यहाँ पर ट्रेन के पास आ जाना होगा। एंड यार ट्रेन के बाजू में यहाँ पर आप सब लोग को 200 डायल करके आप सब लोग को यहाँ पर हॉर्स मंगा लेना होगा यहाँ पर ट्रेन के बिल्कुल ही बाजू में इस वाले ग्लिच को ट्राई करने के लिए। एंड फिर उसके बाद आप सब लोग को करना क्या है कि आप सब लोग को हॉर्स के ऊपर बैठ के हॉर्स को इस तरीके से सेट करना है कि जिसकी मदद से आप सब लोग ट्रेन का और घोड़े पर बैठने वाला ऑप्शन एक साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो, अरे यार मेरे करेक्टर को क्या हो रहा है भाई, मिर्गी क्यों हो रही है तेरे को। यार अब मेरा करेक्टर भी यहाँ पर उठ चुका है यार, आप सब लोग को हॉर्स एंड ट्रेन के बीच में जाके खड़े होना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये जो आप सब लोग यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यार आप सब लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हमारा करेक्टर हॉर्स के अंदर बैठ चुका है। एंड यार ये देख सकते हो यार हॉर्स के ऊपर कैसे बैठा है वो, भाई साहब क्या यार ये तो फनी लग रहा है। और यार यहाँ पर हमारा ग्लिच भी वर्क कर चुका है। और यार जैसे कि देख सकते हो हमारा करेक्टर यार कैसे हमारे हॉर्स को राइड कर रहा है, और यार इसके हाथ देखो कितने ज्यादा लंबे हो चुके हैं और ये कैसे हॉर्स को राइड कर रहा है हमारा करेक्टर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा करेक्टर किस तरीके से हॉर्स को राइड कर रहा है। एंड हाँ यार यही थे कुछ पांच ग्लिचेस जो कि आप सब लोग को दिखाने थे इस वीडियो के अंदर। आई होप सो आप सब लोग ये पांचों के पांचों ग्लिच पसंद आए होंगे। एंड अगर आप सब लोग ये पांचों के पांचों ग्लिच पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप सब लोग के पास कोई ग्लिच या फिर मिथ्स हो तो आप सब लोग उनको कमेंट कर देना यार। इसी वीडियो के नीचे आप सब लोग के मिथ भी और ग्लिच भी ट्राई करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी हाँ यार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना यार रहने देते हैं, बाकी आप सब लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखना एंड सी यू लेटर।